आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि नायलॉन 6 का संश्लेषण किस प्रकार किया जाता है, इस बहुलक के मुख्य उपयोग दीजिए। ठीक, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। नायलॉन 6 का संश्लेषण, ठीक, तो इसका संश्लेषण हम किस प्रकार करते हैं? तो यह जो है नायलॉन 6, यह कैप्रोलैक्टम, ठीक, किससे? कैप्रोलैक्टम को जल के साथ उच्च ताप पर गर्म करके प्राप्त की जाती है ठीक। तो नायलॉन 6 जो है यह कैप्रोलैक्टम को जल के साथ उच्च ताप पर गर्म करके प्राप्त की जाती है, ठीक है। अब इसकी अगर प्रियम देखते हैं, यह है कैप्रोलैक्टम की संरचना है, ठीक, कैप्रोलैक्टम। अब कैप्रोलैक्टम को किसके साथ? H2O यानी कि जल के साथ जो है इसको उच्च तापमान पे 533 से 543 केल्विन के तापमान पे इसको जब हम गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? नायलॉन 6 प्राप्त होता है, ठीक। C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 5, सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड H, ये पॉलीमर, इसका नाम क्या आ जाएगा? नायलॉन 6, ठीक। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन में दिया गया है का इसका मुख्य उपयोग क्या है, ठीक, इनके उपयोग बताइए। तो उपयोग हम लोग देखते हैं इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। इसका जो उपयोग है टायर की डोरियों यानी कि जो टायर की डोरियां होती हैं उनको बनाने में किया जाता है इसका उपयोग। वस्त्रों और रस्सियां आदि बनाने में, ठीक, इसका निर्माण के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। यह आंसर हुआ, थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।